इतना संसाधन संपन्न है कि आज वो एक नहीं दो दो तरह के प्लांट से देश की मदद कर रहा है। एक प्लांट तो वो है जिनसे पारंपरिक खेती होती है और जो सदियों से करता आया है और हम सभी को अन्न मिलता है, भोजन मिलता है, किसान हमें भूखा नहीं रहने देता है, उसके लिए वो पसीना बहाता है। लेकिन अब दूसरे तरह की भी प्लांट भी हमारे किसान के लिए अवसर बनाकर के उसके खेत में दस्तक दे रहा है और जिससे खेत की आवश्यकता, घरों की आवश्यकता, वहां तक बिजली पहुंच भी सकती है। जो पहला प्लांट है, जो पारंपरिक खेती है, वो हमारा किसान ऐसी जमीन पर लगाता है जो उपजाऊ होती है। लेकिन ये जो दूसरा सोलर एनर्जी प्लांट है, ये ऐसी जमीन पर भी लगेगा जो जमीन उपजाऊ नहीं है, पानी नहीं है, फसल के लिहाज से वो जमीन अच्छी नहीं है। यानी कि किसान की वो जमीन जहां फसल उगाने में बहुत खर्चा हो जाता है और कोई गारंटी नहीं होती है, अगर बारिश थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो सब बर्बाद हो जाता है, उस जमीन का उपयोग भी होगा, उससे भी किसान की आमदनी बढ़ सकती है। कुसुम योजना के माध्यम से आज किसानों को अतिरिक्त जमीन पर ऐसे सोलर प्लांट लगाने में मदद करने की योजना काम कर रही है। खेतों में ही जो सोलर बिजली पैदा होगी, इससे हमारे किसान अपनी जरूरतें भी पूरी कर पाएंगे और अतिरिक्त बिजली को बेच भी सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के किसान साथी भी अतिरिक्त आय के इस साधन को अपनाने और भारत को पावर एक्सपोर्टर, ऊर्जा निर्यातक बनाने के इस व्यापक अभियान को जरूर सफल बनाएंगे। ये विश्वास इसलिए अधिक है क्योंकि मध्य प्रदेश के किसानों ने संकल्प को सिद्धि में बदल करके दिखाया है। आपने जो काम किया है वो हर किसी के लिए प्रेरणा का कारण बना हुआ है। जिस प्रकार आपने गेहूं उत्पादन के मामले रिकॉर्ड बनाया, दूसरों को पीछे छोड़ दिया, वो प्रशंसनीय है। कोरोना के इस मुश्किल समय में किसानों ने जो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ खरीद की, उसके लिए भी आप प्रशंसा के पात्र हैं। और इसलिए बिजली उत्पादन के मामले में भी मध्य प्रदेश के सामर्थ्य पर मुझे पूरा भरोसा है। उम्मीद है कि एक दिन ये भी खबर आएगी कि कुसुम योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड बिजली उत्पादन की है, बिजली पैदा की है। भाइयों और बहनों, सोलर पावर की ताकत को हम तब तक पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास देश में ही बेहतर सोलर पैनल, बेहतर बैटरी, उत्तम क्वालिटी की स्टोरेज, उसकी कैपेसिटी का निर्माण ना हो। अब इसी दिशा में तेजी से काम करना है और हम सब करके रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब देश का लक्ष्य है कि सोलर पैनल सहित तमाम उपकरणों के लिए हम आयात पर अपनी निर्भरता को खत्म करें। लक्ष्य ये है कि अभी जो देश की सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको भी तेजी से बढ़ाया जाए और इसलिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अनेक जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
अब जैसे कुसुम योजना के तहत लगाए जा रहे पंपों में सोलार पंप बनाए जा रहे हैं, घरों में लगने वाले रूफटॉप पैनल में भारत में ही बने सोलार फोटोवोल्टेक सेल्स और मॉड्यूल्स, इसको हमने जरूरी कर दिए गए हैं। इसके अलावा सरकारी विभाग और दूसरी सरकारी संस्थाएं जो भी सोलार सेल या मॉड्यूल खरीदेगी वो मेक इन इंडिया ही हो, ये तय किया गया है। यही नहीं, पावर प्लांट लगाने वाली कंपनियां सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग भी करें, इसके लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरा आज इस सेक्टर से जुड़े उद्यमियों से, युवा साथियों से, स्टार्टअप से, एमएसएमई से यही आग्रह है कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, इस अवसर का फायदा उठाइए। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भरता सही मायने में तभी संभव है जब हमारे भीतर आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास तभी आता है जब पूरा देश, पूरा सिस्टम, हर देशवासी, हम सब मिलकर के आत्मनिर्भरता की दिशा में चल पड़े। कोरोना संकट से पैदा हुई स्थितियों के बीच भारत यही काम कर रहा है, सरकार यही आत्मविश्वास जगाने में जुटी है। समाज के जिस तबके तक अक्सर सरकारें पहुंच नहीं पाती थी, आज उन तक सरकार के संसाधन और संवेदना दोनों पहुंच रही है। अब जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को ही लीजिए, लॉकडाउन के तुरंत बाद पहला कदम यह उठाया गया कि देश के 80 करोड़ से अधिक गरीब साथियों तक मुफ्त खाना पहुंच सके, उनकी जेब में थोड़ा बहुत खर्चे के लिए व्यवस्था रहे। और जब लॉकडाउन उठाया गया तब सरकार को लगा कि आने वाला समय तो बरसात का भी है, त्योहारों का भी है, और हमारे यहां तो दिवाली और छठ पूजा तक अब तो त्योहार ही त्योहार चलते रहते हैं, और सभी संप्रदाय, सभी धर्मों के त्योहार रहते हैं। ऐसे में गरीबों को ये मदद मिलती रहनी चाहिए, इसलिए इस योजना को जारी रखा गया। अब गरीब परिवारों को नवंबर तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में भी सरकार पूरा अंशदान दे रही है। इसी तरह पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से उन साथियों की सूद भी ली गई है जिनकी सिस्टम तक सबसे कम पहुंच पा होती थी। आज इस योजना से रेहड़ी ठेला लगाने वाले लाखों साथियों को 10,000 रुपये तक के सस्ते ऋण बैंक से मिलने लगे हैं। हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी हमारे ये साथी अपने छोटे से कारोबार को बचा सके, चला सके। हमारी यहां इन सारी चीजों को कभी प्राथमिकता नहीं रहती थी, लेकिन एक संवेदनशील सरकार होने के कारण, देश की भावी पीढ़ी को समर्पित होने के कारण आज हम लगातार कदम उठा रहे हैं। यानी एक तरफ छोटे लघु कुटीर उद्योगों और बड़ों उद्योगों के बारे में सोचा गया, तो दूसरी तरफ इन छोटे लेकिन उपयोगी कारोबारियों की भी चिंता की गई। साथियों, सरकार हो या समाज, संवेदना और सतर्कता,
इस मुश्किल चुनौती से निपटने के लिए हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है। आज जब आप मध्य प्रदेश को, पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए, रोजी रोटी भी कमाने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, निकलना पड़ रहा है, तो अपनी एक और जिम्मेदारी भी हमेशा याद रखिए, और वो है, और मैं चाहूंगा कि जो बात मैं बताता हूं ये बाकी लोग भी बार बार बताते रहें, जहां भी बताते रहें, दो गज की दूरी, चेहरे पर मास्क, हाथ को 20 सेकंड तक साबुन से धुलना, कहीं पर भी थूकना नहीं, ये सारे नियमों का हमें हमेशा पालन करना है। आप भी बचेंगे, आपका परिवार भी बचेगा, और आपके यार दोस्त साथी मित्र सहयोगी हर किसी की जिंदगी बचाने में आप बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। और इसलिए इन नए नियमों में, इस अनुशासन में कहीं पर भी कमी मत आने देना। आपका जीवन बहुत मूल्यवान है, न सिर्फ आपके परिवार के लिए, देश के लिए भी मूल्यवान है।